हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, ये आपका दोस्त हाजिर हो चुका है आपके ग्रेट ट्यूटोरियल्स के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगी हुई दिन रात मेहनत कर रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं आपका अगला एप्रिसिएशन पोयम का, और एक के बाद एक बाकी के जो भी एप्रिसिएशन है वो भी हम लेकर हाजिर हो जाएंगे आज के दिन ही दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं क्या चाहूंगा, मैं बता देता हूं दोस्तों आप सभी को कि कल यानी आज क्या है आपका, आज है 1 मार्च, कल है आपका 2 मार्च, यानी 2 मार्च के दिन होने वाला है क्या, पंच का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हम 12 साइंस के 4 तारीख के इंग्लिश के पेपर के लिए रिविजन वर्क करेंगे लाइव सेशन में, जहां पे राइटिंग से सारी चीजें हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे आपके सवेरे 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। तो दोस्तों भूलिएगा ना और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, आज हम जो एप्रिसिएशन करने वाले वो है आपका द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। जी हाँ दोस्तों, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप जो भी आपकी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हमें क्या टैग कर सकते हैं आपके प्रदीप सर के इंस्टाग्राम हैंडल, जिसकी आईडी है Pradeep_Giri9127, और Instagram ID handle जो है यहाँ पे दिया और description में link भी दिया, जाके join कर लो, follow कर लो दोस्तों और हमें tag कर दो। ठीक है, जो भी grammar की practice आप सारी चीजें कर रहे हो हमारी videos देख के वो। चलिए, अब यहाँ पे हमारा appreciation आ चुका है। सबसे पहले मैं question आपको दिखा देता हूँ, question किस तरह से आएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर देना चाहूंगा। अप्रिसिएशन अबाउट द पोयम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फॉर्म ऑफ द पोयम थीम सिग्निफिकेंस, सेम ऑलमोस्ट सारी चीजें वही है जो हमने क्या हमारे लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है, अब यहां पे क्या करना, चलो इसको थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। हाँ चलो, छोटा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, आप पोयम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पोयम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि आप पूरा पोयम लर्न तो नहीं करोगे, सही बात है कि नहीं बात है। तो अब ये पोयम क्या है, सबसे पहले देखो ओपन रोड दिख रहा है, ओपन रोड, ओपन रोड, बस ये याद रखना, ओपन रोड, ओपन रोड, ओपन। हाँ यार, एक पोयम था हमारा, क्या कौन सा पोयम था, द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। तो इसको याद कैसे रखना है, ओपन रोड, अगर पोयम में ओपन रोड दिखा तो आपको क्या याद रखना है, ओपन रोड है, तो ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इस पोयम का क्या है आपका पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद राइटर का नाम क्या है, वॉल्ट हिटमैन, क्या, वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, अब ये पहला चीज हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल में क्या याद रखें, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, क्या, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज। पहला क्या याद रखोगे, पहला सॉन्ग ऑफ द रोड को कैसे याद रखना, पोयम में कैसे आइडेंटिफाई को, टाइटल क्या इसका, ओपन रोड दिखा तो ये लिख देना सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड क्या टाइटल है। अब इसके लेखक कौन है, इसके लेखक यानी इसके जो पोएट है वो है आपके वॉल्ट हिटमैन जो है, इनके पोएट है। फिर टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या, काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, समझ में आ गया। इतनी 3 चीजें याद रखो, फिर इसको लिखना कैसे मैं अभी बताने वाला हूं, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद पोएटिक स्टाइल, पोएटिक स्टाइल क्या है आपका, फ्री वर्ज है, क्या देखो पोएटिक स्टाइल या फ्री वर्ज। अब एक एक चीज करके हम लोग देखो लिख रहे थे, फॉर्म ऑफ द पोएम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, क्या कह रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच में आ गया आपका एलिट्रेशन आ गया, मेटाफोर आ गया, रिपीटेशन, इन्वर्शन, क्या, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, इन्वर्शन और आपका मेटाफोर, और ये सारी चीजें हमने सीखी है दोस्तों। अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाओ ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है वो चेक करो, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद फीचर क्या है, फीचर है आपका यूज ऑफ पैरेंथेसिस और यूज ऑफ इमेजरी, क्या, यूज ऑफ पैरेंथेसिस और इमेजरी, और लास्ट में क्या बचता है आपका, ओपिनियन बचता है, तो ओपिनियन में क्या लिखना है, लिविंग वरीज बिहाइंड। चलो देखते, अब ये सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिए, याद कैसे रखोगे, ओपन रोड, तो ओपन रोड आया, द टाइटल ऑफ द पोयम इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड which is written by Walt Whitman, क्या, Walt Whitman the poem, क्या, अब आगे क्या लिखोगे, देखो the title of the poem is song of the open road, याद कैसे करोगे, open road दिखा तो song of the open road है। फिर उसके बाद it is written by the Walt Whitman, क्या, it is written by Walt Whitman। ठीक है, अब the poem showcase the countless opportunities, फिर उसके बाद क्या है आपका, countless opportunities as the title states, open road यानी open, बहुत सारी opportunities हमें मिलती है। ठीक है, in the poem the poet has used the poetic style, has used the free verse poetic style। अब यहाँ पे poetic style क्यों कहा गया, देखोगे आप तो यहाँ पर एक भी rhyming word है क्या नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसलिए ये क्या free verse हो गया, clear हो गया। for making the poem attractive, making the poet has used the numerous
फिगर ऑफ स्पीच, याद लिख दो एलिटरेशन, मेटाफोर, रिपीटेशन, इन्वर्जन, और कोई भी चीज दिखे तो दिखो दिखे तो वो भी लिख देना, ऑलरेडी मैंने तो बताया ही आपको, समझ में आ गया। द स्पेशल फीचर, द स्पेशल फीचर ऑफ द पोयम इज दैट द पोएट हैज यूज्ड पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस in the fourth stanza, in the fourth stanza, and has a image and use and has used the imagery. अब opinion क्या है? Opinion में आप ये लिख सकते हो, अभी जैसे मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि life में हमें क्या, life को हमें अच्छे से जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, और हमें क्या सारे टेंशन को भुला के हमें क्या ये जो मोमेंट है हमारा, जो हमारी लाइफ के जो मोमेंट चल रहे हैं उसको हमें क्या खुले दिल से क्या जीना चाहिए, या आप क्या लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका जो एप्रिसिएशन है वो कंप्लीट हो जाए सॉन्ग ऑफ द रोड का। तो आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये पॉइंट्स याद कर लो, आपको पूरा जो लर्निंग करने की जरूरत ही है, और किस तरह से याद करना मैंने ऑलरेडी बताया। सो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यार किसका इंतजार है, आप तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अभी तो सारा एप्रिसिएशन हम लेकर आ रहे हैं, प्रदीप सर की जो पूरी टीम एप्रिसिएशन लेकर आ रही है, और साथ ही साथ एप्रिसिएशन लिख के एक बार प्रैक्टिस भी कर लो दोस्तों, समझ में आ रहा है, एक बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लो, और आपके जो नोट्स, ये तो नोट्स मैंने दिए तो ये नोट्स को आपको लिख लो और इसको क्या लर्न कर लो, समझ में आ गया। लर्निंग वर्क साथ में हो जाएगी, दो दो मिनट का काम है, समझ में आ गया। और आप हमें टैग कर सकते हो, अपने नोट जो बना रहे हो उसको टैग करो, कहाँ पे, हमारे प्रदीप सर के जो इंस्टाग्राम हैंडल उस पर टैग करो, हम चेक करेंगे और हम क्या आपका सपोर्ट, हमें पता चलेगा आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और दोस्तों कल 2 तारीख यानी कल सवेरे 10 बजे से लेकर क्या दोपहर के 2 बजे तक आपका चलने वाला है पंच का बादशाह रिवीजन सीरीज, जहां पर हम इंग्लिश का पूरा जो रिवीजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में बने रहे।